मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना के जरिए कई सामाजिक बदलाव होते नजर आ रहे हैं। वहीं अब सीएम शिवराज मामा लाडली लक्ष्मी योजना पार्ट टू की तैयारियों में जुट चुके हैं। वहीं योजना के नए संस्करण के लॉन्च होते ही प्रदेश भर में लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया गया। देखिए रिपोर्ट। इंदौर महिला बाल विकास विभाग का लाडली लक्ष्मी योजना पार्ट टू का कार्यक्रम पंचकुया स्थित शंभू सत्संग भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन, मध्य प्रदेश गान, लाडली लक्ष्मी गीत एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर महामंडलेश्वर लक्ष्मण दास महाराज, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, अपर कलेक्टर अभय बेडेकर, मंडल अध्यक्ष कपिल शर्मा, सावन वर्मा, जगमीत जैन, सुनीता बुरंग, पद्मा तिवारी, पूर्व पार्षद टीनू जैन एवं पूर्व पार्षद राजेश चौहान मौजूद रहे। वहीं शुजालपुर के जटाशंकर के पास भी लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया गया, जहां कार्यक्रम की शुरुआत बालिका पूजन के साथ की गई। कार्यक्रम में मौजूद सभी लाडली लक्ष्मियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार और कलेक्टर दिनेश जैन उपस्थित रहे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा, आज के दिन लाडली लक्ष्मी योजना के पार्ट टू का शुभारम्भ होने जा रहा है। जी आज पूरे राज्य में लाडली लक्ष्मी उत्सव जो है मनाया जा रहा है, जिसमें राज्य स्तर पर भी प्रोग्राम हो रहा है, जिले स्तर का कार्यक्रम यहाँ सुजालपुर में आयोजित किया जा रहा है। सभी जिले की सभी 326 ग्राम पंचायतों में भी आयोजन किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि वर्ष 2007 में जो मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना शुरू हुई थी, इसके माध्यम से पूरे जिले में जो है 53,000 बच्चियों को इसका लाभ मिला है। उनको समय समय पर स्कॉलरशिप दी जाती है, 18,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है और 21 साल के होने पर 1,00,000 रुपये मिले। तो इस योजना के बहुत अच्छे परिणाम आए हैं और इसके कारण जो हमारा सेक्स रेशियो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। सेक्स बर्थ पे जो सेक्स रेशियो रहता है उसमें 10 से 12 हो गया है और बाल विवाह के केसेस में भी बहुत कमी आई है। ये आयोजन भी है मध्य प्रदेश सरकार ने बच्चियों की सुरक्षा, उनका सम्मान और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारी चीज़ों को शामिल करके आयोजन किया गया है। और आज लाडली लक्ष्मी योजना टू जो है उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लॉन्चिंग की जा रही है, जिसमें कि और नए नए जो है लाभ दिए सर लाभ लोग जो लाडली लक्ष्मी कार्ड चालू होगा तो अभी लॉन्च होगा तो आपको पता चल जाएगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें शामिल कर रहे हैं और उनको और ज़्यादा लाभ मिले ताकि वो कॉलेज लेवल पर जॉब करने में भी उनको सहूलियत हो और मध्य प्रदेश जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए अच्छा प्रदेश बने और यहाँ निर्भय होकर लोग सब काम कर सकें। लाडली लक्ष्मी योजना पार्ट टू के शुभारंभ पर तत्पश्चात उत्कृष्ट कार्य करने वाली लड़कियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। लाडली लक्ष्मी योजना के कारण बेटियों और उनके अभिभावकों में बेहद सम्मान है। बता दें कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य था जहां वर्ष 2004 में लक्ष्मी योजना शुरू की गई थी। वहीं लाडली लक्ष्मी योजना के कारण अभिभावक बेटियों की शिक्षा और विवाह की चिंता से मुक्त हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज।